अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे गीले फिरदौस हैदराबादी खीर। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, जिसको हमने गर्म कर दिया है, और ये 8 टेबल स्पून दावत लंबे चावल है। ये आप चाहे तो जो भी चावल चाहे तो आप ले सकते हैं, बासमती या और कोई भी जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं आप। तो ये हमने इसे 2 घंटे भिगोकर, इसे छानकर और एक सूखे कपड़े से पोंछकर इसको फैन में सुखाया है। अगर धूप में भी सुखाए तो सुखा सकते हैं आप। अगर हमने इसे फैन में सुखाकर 2 घंटे भिगने देना है इसे। तो ये 8 टेबल स्पून बड़े ये इस तरह के, ये ऐसे 8 भर के हमने लिया है चावल, और 1/2 किलो खवा, और ये अमूल का क्रीम, और एक कंटेनर मिल्क में नेस्ले का, और ये 8 टेबल स्पून हमने अनन्नास, शुरू से 8 टेबल स्पून हमने ये अनन्नास लिया है, जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है हमने, जो हम खीर में भी डालेंगे और गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे। और ये 4 टेबल स्पून बादाम को हमने रात में भिगोकर उसका छिलका निकाल कर उसको इस तरह पतले स्लाइस में काट लिया था, और 2-3 इलायची और 1/2 टीस्पून वेनिला एसन और 1 टेबल स्पून गुलाब के सूखे हुए पत्तियाँ लगेंगे हमें गार्निशिंग के लिए, और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, और 4 बड़े चमचे शक्कर है जो पीसी हुई, जो पीस कर लिया है हमने, 4 बड़े टेबल स्पून शक्कर सबसे पहले, और 4 बड़े टेबल स्पून हमने 8 बड़े टेबल स्पून घी लिया है, देसी घी, इसे असली घी भी कहते हैं। तो ये 8 बड़े टेबल स्पून घी है। ये जो हमने 8 चम्मच असली घी रखा था, सबसे पहले वो डालेंगे, फिर उसके बाद जो इलायची रखे थे हमने उसके इस तरह हमने बीज निकाल दिए हैं, फिर ये बीज डाल लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेंगे तब हम इसमें ये जो चावल रखे थे हमने 8 माप, जो 200 ग्राम है टोटल, फिर वो डालकर भूनेंगे। अब ये इलायची को थोड़ा खुशबू आने तक फ्राई करेंगे इसे। ये इलायची के बिन अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ये चावल जो रखे थे हमने ये डाल देंगे तरह से, जिससे ब्राउन होने तक भूनेंगे, अच्छे से फ्राई करके इसमें फिर हम दूध डालेंगे, फिर अच्छी तरह भूनेंगे। इस तरह का कलर देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें जो दूध रखा था हमने 1 लीटर वो डाल देंगे। और इसे 10 से 15 मिनट तक गलने देंगे चावल, जब तक गलना जाए ढक कर गलने देंगे। फिर इसमें हम बाद में खवा और 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, और मामूली चुटकी भर नमक डालेंगे, बिल्कुल चुटकी भर, इस तरह चुटकी भर डालेंगे बस। इसके बाद हम इसमें ये जो खोवा रखा था हमने, इसमें से हम 250 ग्राम खोवा डाल रहे हैं। आप चाहे तो आप 1/2 किलो या 300 ग्राम भी डाल सकते हैं। अगर हम 250 ग्राम डाल रहे हैं इसमें, काफ़ी है 250 ग्राम। और ये जो हमने 8 टेबल स्पून जो पीसी हुई शक्कर लेकर रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे, और ये सबको एक साथ गलने देंगे। फिर इसे एक जार में डालकर एक साथ पीस लेंगे। और ये जो कॉर्नफ्लावर रखा था हमने, इसमें
आधा टीस्पून लिया है और इसको दूध डाल के इसको मिक्स करके इसमें डाल दें। फिर इसे और हम 5-6 मिनट और पकने देंगे ताकि खोवा पूरा घुल जाए और शक्कर भी मिल जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये चावल इस तरह हमारे गल चुके हैं, इसे टोटल 15 से 20 मिनट लग गए गलने के लिए, तो आप 15 से 20 मिनट तक इसे पकाएं। अब हम गैस बंद कर देंगे, फिर इसके बाद इसे अब हमने गैस बंद कर दिया है और इसे हम मिक्सर में पीस देंगे। फिर इसे बाद में पकाना नहीं है हमें, इसमें हम मिल्क मेल्ट और क्रीम मिलाएंगे। बाद में हम इसको एक जार में डाल देंगे और इसे फिर हमने एक जार में डाल दिया, इसे फिर मिक्सर में पीस के इसमें फिर मिल्क मेल्ट और क्रीम मिलाएंगे जो हमने बादाम रखे थे इसमें से, हम ये बादाम इसमें जार में पीसने में डाल देंगे और थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख देंगे। फिर इसे पीस लेंगे। हम ये मिल्क मेड जो हमने रखा था 4 चम्मच, बड़े 4 चम्मच टेबल स्पून डाल दें, इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम पकाएंगे नहीं, अब इसी तरह मिला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। फिर इसके बाद इसमें ये भी हमने 3 टेबल स्पून क्रीम लिया है, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको फिर अच्छी तरह से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और इसे 2 बार पकाना नहीं, बस इसको इसी तरह मिक्स करके एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फिर इसके हम गार्निशिंग करेंगे। ये हैदराबाद की शादियों में बनाई जाती है ये खीर, तो इसे मिक्स करके हम एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। क्रीम जो हमने रखा था उसमें से हम आधा क्रीम डाल रहे हैं, आप चाहे तो आपके हिसाब से और डाल सकते हैं, हमने भी इसमें आधा डाल रहे हैं। इस तरह से इसको मिक्स करके इसमें डाल देंगे। अभी क्रीम डाले बाद हम इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे। वेनिला एसेंस कभी भी पके बाद आखिर में डालना, क्योंकि इसकी खुशबू बाकी रहती है। और अनानास हम सर्व करते हुए डालेंगे, क्योंकि अगर हम पहले डाल के रख दिए तो खीर फूटने का डर रहता है। इसके लिए कभी भी याद रखें, आप जो भी बॉल में सर्व करने वाले हो उसी में ही अनानास डालें। इस तरह ये अच्छे से हिला देंगे इसे। ये जो सूखे गुलाब की पत्तियाँ रखे थे हमने, इससे हम गार्निशिंग करेंगे। थोड़े फ्रेश वाले भी डालेंगे हम, लेकिन सूखे गुलाब की पत्तियों से इसमें अच्छी खुशबू आती है। फिर बाद में इससे हम अनानास से भी गार्निशिंग करेंगे। इसके बाद हमने इसमें ये जो बादाम हमने रखे थे ये डालेंगे और इसे हम चील कर सर्व करेंगे। इसे 2-3 घंटे फ्रिज में रख देना है, ये ठंडी करके ही इसे सर्व करते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें ये जो अनानास आधे इसमें डालेंगे हम और आधे इसमें गार्निशिंग करेंगे। आप जो भी बॉल में सर्व करें इसमें और अनानास डाल के सर्व कर सकते हैं और इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दी लीजिए। ये हमारे गीले फिरदोस खीर, हैदराबादी खीर तैयार है।